अज मेरी सरकार वालों मुख्यमंत्री साहब वालों ड्यूटी लगी सी कि आज़ादी दिवस से अमृतसर झंडा फहराने दी। उस प्रोग्राम तो बाद मैं श्री हरिमंदर साहब गुरु रामदास जी महाराज उन्होंने दरबार मत्था टेकन लिए आया सी, शुकराना करन लिए आया कि सच्चे पातशाह बड़ा कुछ दिता। देखो कतरवां अज आज़ादी दिवस सी और इस मुल्क की आज़ादी लई साढ़े हिंदुस्तानिया ने हिंदुस्तान के उस समय के लीडर ने एक लहर चालू की, जिस लहर दे च पंजाब ने बड़ा वड्डा योगदान पाया और सानू माण है पंजाबियों ते। पंजाबियों ने चाहे कूका लहर होए, पगड़ी लहर और गुरद्वारा संभाल लहर, उहदे विच देश की आज़ादी दे नाल जुड़ के बड़िया बड़िया वड्डिया कुरबानियां साढ़े पंजाब के शहीद आजम भगत सिंह जी, ऊधम सिंह जी, तो इन्होंने बड़िया वड्डिया फांसी चुमी, फांसी के फंदे नूं चुमिया और करीब करीब 80% जिहड़ियां जेलां और कुरबानियां पंजाबियों ने दित्तियां, जिहदे सिट्टे वजों अज हिंदुस्तान दुनिया की सारे नालों वड्डी डेमोक्रेसी है और अज हिंदुस्तान एक इकनोमिक पावर भी है। और पंजाब की गल करिए, पंजाब च कई बार चंगे माड़े फेज आए, अज बड़े माड़े दौर थानी पंजाब गुजर रहा। फाइनैंशियल हालात की गल करो, ड्रग की गल करो, अनइंप्लॉयमेंट की गल करिए, किसानों दी खुदकुशियां की गल करिए, विरसे दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह जी नूं मुख्यमंत्री जी दिन बने हो मिलिया और वो वचनबद्ध ने कि सारे वर्गों बारे, चाहे दलित वीर ने, चाहे नौजवान ने, किसान ने, इंडस्ट्रिस्ट ने, व्यापारी ने, उन्हां लई जिहड़ियां पॉलिसियां बनाईए जिन्हां नाल वो लोग तरक्की करन, पंजाब दे विच खुशहाली, अमन शांति और ये सारा होना चाहिए। इस लई कैप्टन अमरिंदर सिंह पूरा योगदान पा रहा। मैं समूह पंजाबियों नूं, हिंदुस्तानियों नूं जिथे जिथे वसे ने आज़ादी दिवस की बहुत बहुत बधाई देना। कमिश्नर सरदार कमलदीप सिंह जी संघा ते परेड कमांडर बड़ी ही मेहनत नाल परेड धन्यवादी हाँ। आज़ादी दिवस की सां जी जड़िया सिक्योरिटी फोर्सेस ने जड़िया सरहदा के उत्ते इस मुल्क की एकता अखंडता का और साड़िया सीमावां का रक्षा करते ने। इस आज़ादी की लहर को अगे लगाए और चाहे जेलां भरन की गल हो या हसते हुए कुर्बानियां देने की गल हो, 80% साढ़े पंजाबियों का योगदान उस लहर के पंजाब के साढ़े शहीद आजम भगत सिंह जी, करतार सिंह जी सराबा, शहीद मदन लाल ढींगरा जी, लाला लाजपत राय जी, शहीद ऊधम सिंह जी और बेअंत पंजाबियों ने, हिंदुस्तानियों ने
इस मुल्क की आजादी अपना योगदान पाया। बड़ी लंबी लड़ाई के बाद 15 अगस्त 1947 को साडा देश आजाद होया और आज दुनिया के विच सारों वड्डी डेमोक्रेसी हिंदुस्तान भी है और ये भी जान के खुशी होंदी है कि अज साडे मुल्क के नौजवानों का और समुचे मुल्क का योगदान जिहड़ा अज साडा मुल्क सारों वड्डी इकनोमिक पावर दुनिया की बन के उभरिया और काउंटलैस बड़िया गलों ने करना बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन के जोड़े लोग रह रहे हैं उन्होंने अपलिफ्टमेंट कितना हो डिवेलपमेंट साढ़े मुल्क की ओवरऑल किए और याद करने यतन करूबा और अगर असी देखिए लॉ एंड ऑर्डर अपने आप से एक प्रॉब्लम है अनइंप्लॉयमेंट ये सारिया चीज़ों वादे भी किए थे कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने मुख्यमंत्री बनते सार जो जो लोगों ने वादे किए उन्होंने गंभीरता के उत्ते उन्होंने विचार शुरू किया। पहले केस से तरजीह देनी है कि इंस्पैक्टरी राज खत्म करने विरोधबंदी बनाई है कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने और सारों वड्डी मार किसानी नूं पई किसानों ने खुदकुशियां कीतियां। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने इलेक्शन तो पहला लोगों का वादा किया कि फार्म का जरा क्रॉप लोन है जिमीदार का 5 एकड़ ताई जिहड़ा गरीब किसान है मार्जिनल फार्मर जिन्हों कहेगा उहदा कर्जा किवें माफ किया जाए इस गल की गल कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने की और अज साडी कैबिनेट कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की योग अगवाई दे विच अफसरां की मदद के नाल असी इसते दिन रात लगे हाँ और कर्जा माफ कर दिता गया और जिहड़ा ब्याज पेगा साडी सरकार बनन तो बाद किसान के उत्ते मार्जिनल फार्मर के उत्ते जिन्ना भी लोन है वो माफ कर दिता जाएगा और सरकार अदायगी की करेगी इस गल की। और इना ही नहीं अज जिथे साढ़े नौजवान नशे की गल करते हैं उत्थे अनइंप्लॉयमेंट बड़ी वड्डी चुनौती है साढ़े अगे और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने बतौर मुख्यमंत्री लोगों का वादा किया कि इंप्लॉयमेंट जनरेट करने लई हर कदम साड़ी सरकार चुकेगी और लगातार बड़े फैसले ले और जिन्हों चो इंडस्ट्री को प्रमोट करना मैनू दस के दुख हो रहा कि पिछले कुछ सालों के करीब 25,000 इंडस्ट्री पंजाब चो पलायन करके चले गई क्यों उन्होंने परेड कमांडर तो मगर है पंजाब पुलिस अमृतसर।